Please like my videos, subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest videos update. Hi friends, I am Pratibha and welcome back to my channel Glamless Pratibha. I am good and how are you friends? आज मैं डिनर में बनाने जा रही थी मशरूम चिली, तो मैं सोची क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और आप इस रेसिपी के साथ कोई भी फ्राइड राइस, पराठा और रोटी खा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो आप इस रेसिपी को स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम चिली की प्रोसेस, कैसे बनता है मशरूम चिली। यहाँ मैंने 250 ग्राम मशरूम लिया है, एक शिमला मिर्च लिया है, इसे स्क्वायर शेप में कट कर ले। एक प्याज लिया है, इसे कट करके इसके हर एक स्लाइस को अलग अलग कर लिया है। 5-6 हरी मिर्च कट कर लिया है। 1 इंच अदरक, 10-12 लहसुन लिया है, अदरक को क्रश कर ले और लहसुन को बारीक काट ले। 1 छोटा चम्मच विनेगर लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस लेंगे, 2 छोटे चम्मच टोमेटो सॉस लेंगे, 4 छोटे चम्मच मैदा लेंगे और 4 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लेंगे। सबसे पहले मशरूम को अच्छी तरह पानी से धो लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी लगा हुआ रहता है। उसके बाद इसकी ऊपरी परत को छिलकर हटा लेंगे। अब एक एक मशरूम के डंठल को तोड़कर अलग कर लेंगे। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इसे थोड़ा पुश करके तोड़े, ये देखिए निकल गया। और चाकू की सहायता से ऊपरी परत को छील लेंगे। एक एक परत को हटाएं, ये देखिए कितना व्हाइट दिख रहा है। अब डंटल को भी इसी तरह छील लेंगे और इसे दोनों साइड से कट करके हटा दें। इसी तरह मैंने सारे मशरूम को तैयार कर लिया है। आप चाहें तो मशरूम को डंटल के साथ भी बना सकते हैं या अलग अलग करके भी। मैंने आज यहाँ मशरूम और डंटल को अलग करके बनाया है। और हाँ, जो भी साइज में बड़ा मशरूम है उसे आप बीच से कट कर लें। अब इसे पानी में बॉईल कर लेंगे। ये देखिए पानी गर्म हो गया है, सारे मशरूम को इसमें डाल दें और 15 से 20 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इसके बाद मशरूम को बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 छोटे चम्मच मैदा डालेंगे, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दें और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थिक बैटर बना लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा फूड कलर डाल दें, इससे कलर अच्छा दिखेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिला लें। ये देखिए बैटर रेडी हो गया, मैं इसे फ्राई करूंगी। ऑयल गरम हो गया है, एक एक करके मशरूम डालें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें, ध्यान रखें सारे मशरूम अलग अलग डालें वरना ये एक दूसरे में चिपकने लगेगा। इसे 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करें। ये देखिए मैंने सारे मशरूम को फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म कर लें, अदरक लहसुन डाल दें, उसको 20 सेकेंड के लिए फ्राई करें। गैस का फ्लेम लो रखें, फिर प्याज डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, शिमला मिर्च भी डाल दें। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और 5 मिनट तक फ्राई करें। जब तक शिमला मिर्च फ्राई हो रहा है तब तक इधर बैटर बना लेंगे।
एक बाउल ले लें, दो छोटे चम्मच मैदा लेंगे, दो छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और पानी डालकर बैटर बना लेंगे। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैदा और कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें और पानी भी थोड़ा ज़्यादा डालकर बैटर बना लें। ये देखिए मैंने बैटर बना लिया है, 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें सारे सॉस डाल दूंगी। एक एक करके सॉस डाल दें। इसके बाद इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए शिमला मिर्च कट रहा है, मतलब ये अच्छे से पक गया है। इसमें अब मशरूम ऐड कर दें, अच्छे से मिला लें, नमक डाल दें, अब जो बैटर रेडी किया है वो डाल दें। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और 1 मिनट तक चलाएंगे इसे। एक मिनट हो गया, ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। गैस ऑफ कर दें। मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए डिलीशियस हॉट मशरूम चिल्ली रेडी है सर्व करने के लिए।